केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने सारी बातों को रखने का काम किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। रांची के अंदर आवाज नहीं आ रहा है भैया, एक्सीलेटर मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। मैं रांची विधानसभा की बात कर रहा हूँ। रांची विधानसभा के अंदर रांची की जनता 13 नवंबर दिन बुधवार को पूरे परिवार के साथ कमल फूल का बटन दबाने के लिए उत्साहित हैं। मैं पदयात्रा भी कर रहा हूँ, बैठ के भी कर रहा हूँ। मैं एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि अपना वोट देने जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं। एक भी वोट घर में ना बच जाए, यदि घर में बच गया, किसी कारणवश नहीं गया, तो वोट बर्बाद हो जाएगी, इसकी फिर कीमत नहीं रहेगी। क्योंकि वोट देना, मतदान करना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ रांची की जनता को मैं इस बात के लिए दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं और आने वाला छठ की भी शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करना चाहता हूं रांची की जनता से, छठ धूमधाम से करें। यदि बाहर भी जा रहे हैं छठ करने के लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गांव जाते हैं, परिवार के साथ वहां पर छठ करते हैं, उनसे मेरा करबद्ध विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि 10 तारीख तक अवश्य लौट जाएं। एक आग्रह मेरा उनसे और भी होगा कि रांची वालों का तो प्रसाद मैं खाऊंगा ही, लेकिन जो गांव गए हैं उनका प्रसाद गांव से लेकर आएं और मुझे अवसर दें वो प्रसाद खाने का। दूसरी बात यह है कि आज रांची के अंदर जहाँ जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि आपको आने की ज़रूरत क्या है, हम लोग तो पुराना वोटर हैं, हर समय भाजपा को वोट देते हैं। और हमारे कार्यकर्ता क्या नारा लगाते हो गली गली में जाते हैं, तो सीपी भैया आए हैं गली गली बनवाए हैं। बहुत लोग दुष्प्रचार करता है, मैं चुनौती देता हूं उनको, रांची के अंदर जिस गली में जाएंगे आप, सीपी सिंह का बोर्ड आपको नज़र आएगा। हाँ, अभी मैंने बालू के चलते, बालू उपलब्ध नहीं रहने के चलते, बालू ब्लैक होने के कारण लगभग 145 योजनाएं फिजिकली मैं जाकर स्थान पर शिलान्यास किया है और अपने आवास से भी लगभग 45 योजनाओं का मैंने शिलान्यास किया है। वे योजनाएं बालू उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। बालू उपलब्ध होते ही, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, उम्मीद नहीं मैं दावे के साथ कहता हूँ, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट से ही बालू फ्री कर दिया जाएगा। इस सरकार के तहत
बॉम्बे की कंपनियां, बाहर की कंपनियां बालू का उठाव नहीं कर पाएंगी, सबको बालू उपलब्ध रहेगा। और कोई नया काम नहीं है, बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी ये किया गया था। बादवा की पंच निष्ठाओं के बारे में, पांच प्रण के बारे में, गोगो दीदी के बारे में सारी बातें इन लोगों ने बताया है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। पुनः मैं रांची की जनता को अपनी ओर से दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूँ।